हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, हम पाकिस्तानी कौम हैं, हमारा जितना भी गोरा रंग हो ना, लेकिन फिर भी हमने गोरा चिट्टा ही दिखना होता है। और आजकल जो जदीद दौर है उसमें हमने सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट फूड और वाइटनिंग भी हमें जो है ना इंस्टेंट चाहिए। वाइटनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू लेकर आई हूँ ये आपको प्रोवाइड करेगा इंस्टेंट वाइटनिंग। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, आज जिस क्रीम का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है हेवन डव बीबी क्रीम, वाइटनिंग क्रीम। ओके जी, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक वाइटनिंग, दूसरी बीबी क्रीम। अगर ये बीबी क्रीम है तो ये वाइटनिंग क्रीम कैसे हुई, और अगर ये वाइटनिंग क्रीम है ये तो बीबी क्रीम कैसे हुई? तो ये सोच के मैं भी थोड़ी बहुत जो है ना परेशान हो गई थी कि ये वाइटनिंग क्रीम है या ये बीबी क्रीम है। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हेवन डव कंपनी है, ठीक है, जो दूसरी हमारे पाकिस्तान में डव कंपनी के नाम से प्रोडक्ट्स हम अपने घर में डेली लाइफ में शैम्पू साबुन यूज़ करते हैं, ये वो डव नहीं है, ये हेवन डव है। ठीक है जी, ये इसकी ओवरऑल पैकेजिंग है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, ये आप देख सकते हैं। तो अंदर से अगर हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह का होगा, ट्यूब फॉर्म में। इसको आपको जार भी मिल जाएंगे। अच्छा, जार में जो है क्रीम थोड़ी कम है, लेकिन प्राइस दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। आगे चल के मैं आपको सब कुछ मेंशन करूंगी, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड, प्राइस, इंग्रेडिएंट, एक्सपायरी डेट, अच्छा ब्रांड के क्लेम्स क्या हैं, इसका वेट क्या है, और जो है ये सूटेबल है मेन के लिए, फीमेल के लिए, सब कुछ। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग इसकी जो है कार्डबोर्ड में है, कार्डबोर्ड अच्छे वाला कार्डबोर्ड जो होता है उसमें इसकी जो है पैकेजिंग है। डिस्क्रिप्शन इसकी जो इसका जो डब्बा है उस पे जो है लिखा हुआ है सब कुछ, किस तरह से इस्तेमाल करनी है, क्या है, सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड जो है इसका वो है, इस पे लिखा हुआ है हांगकांग, लेकिन ये चाइना का प्रोडक्ट है। ठीक है जी, ये चाइना का प्रोडक्ट है, और पाकिस्तानी पैसों में इसकी कीमत जो है 360 रुपये है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो ऑनलाइन ये आपको 1600 तक, 1000 या 600 रुपये तक भी आपको ये पड़ सकती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स, ये इंग्रेडिएंट्स इसमें जितने भी इन्होंने ऐड करे हैं सारे के सारे लोशंस, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, समथिंग लाइक दैट, उस तरह के इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद हैं। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं है। अच्छा, इसकी एक्सपायरी डेट जो है इस पर मेंशन है, तो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है ना, मुझे इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत पसंद आई। मैं ट्यूब में सामान लेना बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि हाइजीन के हिसाब से बहुत बेस्ट होते हैं। इसके ऊपर जो है इस तरह का स्टॉपर भी लगा होता है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं इसके क्लेम की। तो क्लेम के लिए ये लोग कहते हैं कि इंस्टेंट वाइटनिंग देती है, इस कलर को बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप करती है, स्किन को स्मूथ कर देती है, और तो और जो है ना स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश बनाती है, स्किन को जवान रखती है। अच्छा, बात की जाए एक्सपायरी डेट की, तो इसको हम कम से कम 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्सचर के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ कहे ना। तो इसका जो वेट है वो है 120 ग्राम्स। ये ट्यूब जो मुझे 350 में लोकल मार्केट से मिली है, इसका वेट है 120 ग्राम्स। लेकिन अगर आप इसको जार में लेंगे तो इसका जो वेट होगा वो कम होगा, लेकिन इसकी प्राइस जो होगी सेम होगी। ट्यूब में चीज़ें लेना चाहिए क्योंकि वो हाइजीन के हिसाब से सही रहती हैं, ये मेरी रिकमेंडेशन है। ये आप देखें, ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से जो है ना हो जाती है ब्लेंड। तो इसको ब्लेंड करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत जो है ना नहीं करनी पड़ती है। और अब हम इसको ये भी देखेंगे कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना मैंने अपने हाथों पर अप्लाई करी थी, क्योंकि मैं पहले देखना चाहती थी डिफरेंस आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी नेचुरल स्किन है, और ये जो है क्रीम अप्लाई करने के बाद, यानी कि हेवन डव की बीबी क्रीम अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं, ये आप वाजे फ़र्क स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है मेरी चेहरे की स्क्रीन इसकी सॉरी स्किन पे। और इसके अलावा जो है ये देख सकते हैं, ये इस तरह का कुछ वाइटनिंग इफेक्ट ही आपको देती है। ये करीब से भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके जी, उसके बाद इसको जो है ना मैंने अपने चेहरे पर अप्लाई किया। अच्छा, इस क्रीम को मैं पिछले
8 दिनों से जो है ना इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने थंबनेल के लिए पिक्चर ली, इस वजह से थोड़ा सा ऐसे किया। अच्छा, इसको क्रीम को जो है ना पिछले 8 दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ, और जो है ना मुझे जो लगता है कि ये क्रीम बीबी क्रीम जो है वीटिश स्किन टोन, जो थोड़ी सी फेयर वीटिश स्किन टोन हो उसके लिए बेस्ट है, और जो बिल्कुल फेयर बंदे हैं उसके लिए भी, उनके लिए भी ये क्रीम जो है ना बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये मैंने आंखों पर नहीं लगाया और अपनी स्किन पे लगाया है, फेस स्किन पे लगाया है, तो आपको यहाँ पर भी वाज़े फ़र्क महसूस हो रहा होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाती है, पेनेट्रेट हो जाती है। ओके जी, अब हम देखेंगे कि ये क्रीम वाटरप्रूफ है या नहीं है। तो सबसे पहले जिस जगह पे मैंने हाथ पे लगाया था, तो मैंने अर्के गुलाब ले लिया, और कोई चीज़ मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी शावर के रूप में, तो मैंने अर्के गुलाब ले लिया। ये पानी जिस तरह से ऊपर से होकर नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ये बिल्कुल भी पानी से नहीं उतर रही, ये 100% वाटरप्रूफ क्रीम है। तो आप इसको जो है ना, अगर इसको आप पानी से मुंह धो लेते हो तो ये बिल्कुल भी आपके चेहरे से जो है ना नहीं उतरेगी। हाँ, अगर रगड़ रगड़ के आपने चेहरा धोना है, फेस वॉश वगैरह इस्तेमाल करना है, तो फिर ये उतर जाएगी। अच्छा जी, मेरी तरफ से ये क्रीम 100% रिकमेंडेड है। जिनकी स्किन की टोन जो है वो फेयर है या वीटिश फेयर है, तो वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्द हजरात इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल कर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाइटनिंग इफेक्ट्स भी देती है, लेकिन सेमी वाइटनिंग इफेक्ट्स देती है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, मर्द हजरात इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकते कि उनके चेहरे के ऊपर जो है बाल होते हैं, और बालों में ये चमट कर कुछ अजीब किस्म की लगती है। ओके जी, यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।